तो बच्चों कल जब हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? भाषा, भाषा और भाषा के रूप। भाषा मतलब क्या? विचारों या भावों का आदान प्रदान का साधन ही भाषा है। जब हम विचार को प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के कितने रूप थे? दो रूप, लिखित और मौखिक। लिखित मतलब क्या? जो हम लिख कर बताते हैं। और मौखिक मतलब क्या? जो हम बोल कर और सुन कर बताते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? बोली। सामने बोल चाल के लिए उपयुक्त में आने वाले भाषा को बोली कहते हैं। मतलब जो हम बोल चाल करते हैं उसमें जो भाषा आता है उसको क्या बोलते हैं? बोली। प्रायः बोली को लिखित रूप नहीं होती और इसका इसके क्षेत्र भी बहुत सीमित होती है। मतलब बोली के लिखित रूप नहीं होता, बहुत बहुत सीमित होता है, बहुत कम होता है। राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुंभानी आदि कुछ प्रचलित बोलियां हैं। मतलब जिस भाषा को हम लिख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? बोली। जिस भाषा को हम लिख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? बोली। देखो उसके बाद बोलते हैं मातृभाषा। भाषा के क्षेत्र व्यापक होता है, भाषा क्षेत्र व्यापक होता है। जो भाषा हमें जन्म के बाद सबसे पहले परिवार के लोग से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा है। मतलब भाषा क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब अपने एरिया में हम कौन सी भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा। जब हम जन्म लेते हैं पहले हम जो भी भाषा सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो हमारी मातृभाषा होता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली है। तथा हर प्रदेश में की अलग अपनी अलग भाषा है, मतलब हर एक राज्य में अपनी एक अलग भाषा है, वही उसकी मातृभाषा है। जिस राज्य में जो भी भाषा बोला जाता है वह उसकी मातृभाषा है। किसी प्रदेश में एक से अधिक भाषाएं प्रचलन में है, मतलब किसी राज्य में एक भाषा से भी अधिक होता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता है दी गई है। भारत संविधान मतलब भारत के पार्लियामेंट ने 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया, मतलब 22 भाषा के प्रचलित होता है। जैसे आसामिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाल, बोडी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, साथली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये सब एक प्रकार का, ये सब एक एक प्रकार के भाषा का नाम है। देखो राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा। हिंदी पूरे भारत का मुख्य रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी जो है हम सब बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि नहीं, जो हम भारत है भारतीय, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी सब बोल सकते हैं और सब समझ भी सकते हैं इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी सरकार कामकाज की भाषा भी है। सरकार जो कामकाज करती है, जो भी करती है उसके भी आता है। यह राजभाषा भी कहलाता है। हिंदी को राजभाषा भी कहलाता है। स्वतंत्रता प्रति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 स्वतंत्रता कब हुआ था बोलो तो बच्चों? हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद 14 सितंबर 1949 में हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। भारत में हिंदी का संकर भाषा की भूमिका है, संपर्क भाषा की भूमिका निभाता है। मतलब दूसरों का संपर्क करने के लिए हम कौन सी भाषा यूज करते हैं? हिंदी। विश्व के प्रमुख भाषाएं, विश्व के अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और समझी, पढ़ी और लिखी जाती है। बहुत सारी भाषाएं वो बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। विभिन्न देशों के अधिकांश लोग अंग्रेजी भाषा को बोल और पढ़ लेते हैं। बाहर के देशों में क्या होता है?
अंग्रेजी भाषा को सबको बोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं, इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है। मतलब इंग्लिश को इंटरनेशनल जो भाषा बोला जाता है। कुछ देशों के प्रमुख भाषाएं देखो, जापान का जापानी, रूस का रूसी, चीन का चीनी, इंग्लैंड का अंग्रेजी, फ्रांस का फ्रेंच या फ्रांसिस, भारत का हिंदी, जर्मन का जर्मनी, स्पेन का स्पेनिश। हमारा हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 के संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय में 22 भाषाएं चलता है। देखो लिपि पढ़ेंगे। भाषा का लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इन्हें लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को हम कैसे पहचानेंगे उसको क्या कहते हैं, लिपि। लिखने से हम कैसे पहचानेंगे उसको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अनेक अलग अलग लिपि होता है, और जो भाषाएं होती हैं उसके अलग अलग लिपि होता है। देखो हिंदी का लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरमाखी, जर्मन का रोमन, फ्रेंच का रोमन, बंगला का मंगल, ये सब लिपि है। देखो व्याकरण वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। जो शास्त्र मतलब जो बुक किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से मतलब अच्छे से सिखाता है उसको क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है। जो हम बुक पढ़ते हैं व्याकरण मतलब जो हम बुक पढ़ते हैं उसको अच्छे से लिखना पढ़ना और सीखना बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, भाव या विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाव का आदान प्रदान का माध्यम क्या है, भावों या विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप है, क्या क्या है, भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने का ढंग को लिपि कहलाता है। भाषा कैसे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपि। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं नामक रूप का ज्ञान है। व्याकरण क्या है, भाषा को कैसे शुद्ध करके लिखते हैं पढ़ते हैं और सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं।